गाड़ी है, हम स्टॉप पे। मेरी गाड़ी किधर है? स्टॉप पे। देखो अभी हम यहाँ से बरली पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। मैं हूँ, मेरे साथ हमारे पार्टी मुंबई प्रेसिडेंट फैयाज भाई है, अमित भाई है, पूरी मेरी मजलिस की टीम हमारे साथ है, मेरे सब भाई मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर। आज हम तो प्रोटेस्ट करने आए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था। मलाड़ में हमारी लेडीज विंग ने रखा था प्रोटेस्ट, हम वहाँ जा रहे थे मगर पुलिस ने हमको नहीं जाने दिया, हमको डिटेन करके रखा और मुझे 6 घंटा पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी और मुंबई पुलिस ये समझती है कि वारिस पठान की और मजलिस की आवाज़ को दबा देंगे तो गलत फहमी है, हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यह इंसाफ की लड़ाई है, हिजाब इज अवर फंडामेंटल राइट, हम संविधान के दायरे में रहकर हमारा इत्तेदाद जारी रखेंगे कि हमारी बहन को हिजाब पहनने का अधिकार है था रहेगा इंशाअल्लाह ताला। यकीनन हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे मगर आपने देखा महाविकास आघाड़ी की चाल, और कहाँ गए वो मुस्लिम सेक्युलर नेता। मैं तो पूछना चाहता हूं उनसे क्या मिला मुझे 6 घंटा पुलिस स्टेशन में डिटेन करके, मगर मेरी बहनें गई थी वहां हिजाब पहनकर, क्या उन्होंने पीसफुल एहतजाज। आप रोक नहीं सकते मजलिस को इंशाअल्लाह ताला, हम आगे बढ़ेंगे और संविधान के दायरे में रहकर हमारी लड़ाई जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।